आज मेरी दिलेर के साथ सोलो नाइट राइड है। लेट्स सी ये कैसे बिहेव करेगा, मगर जो भी करेगा मैं बताऊंगा बिल्कुल सच्चाई के साथ। एक घोड़े के लिए रात को अकेले राइड पे जाना थोड़ा टफ है, ऊपर से वो घोड़ा थोड़ा मूडी भी हो तो कहीं पे भी अड़ सकता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। दूर कहीं खेतों में धान की पराली जलाने के लिए आग लगाई गई है और सब तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आजकल चल रहे हैं क्योंकि गेहूं की बिजाई का सीज़न है। अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है और दिलेर बिल्कुल विलिंगली लूज रीन पे चल रहा है, और अगर ये अपनी आई पे आ जाए तो शायद मैं ये नाइट राइड पूरी भी नहीं कर सकूंगा। लेट्स सी कब तक ये कोऑपरेट करता है। एक लफ्ज़ जो अक्सर यूज़ होता है कि घोड़े के साथ ज़बरदस्ती की गई, आप उसके साथ ज़बरदस्ती करके अपने आप को थका सकते हो, घोड़े को चोट लगा सकते हो, मगर उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। आज तक मैंने नाइट राइड्स की हैं बहुत सारे अलग अलग घोड़ों पे, जिनमें से मंगलवीर भी एक है, कुछ बिल्कुल नए घोड़ों के साथ भी की जिनको हम लोगों ने ब्रेक इन किया था, मगर उनमें से कुछ यादगार घोड़ियां हैं। उड़ान जो ग्रे कलर की घोड़ी थी, और एक घोड़ी थी ब्लैक ब्यूटी, और मंगलवीर, मानक और पंजाब केसरी। इसके अलावा भी बहुत सारे घोड़ों पे मैं बैठा हूँगा, मगर ये घोड़े मेरे पसंदीदा रहे हैं। और बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस होता है धुंध वाली सर्द रात में राइड करने का, जब आपको बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं रहती है। उसके लिए आपका घोड़ा बहुत ही ट्रस्टेड और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और टेम्परेचर जनवरी में उस समय कई बार तो 1 या 2 डिग्री रहता है, और कभी आप अर्ली मॉर्निंग राइड करें या नाइट को राइड करें, फिर जो एक नज़ारा फील करोगे लोनलीनेस का, और बिल्कुल दुनिया चुप रहती है क्योंकि सर्दियों में जो थोड़े बहुत हॉर्न अभी रात में आपको सुनेंगे वो भी नहीं सुनेंगे। अप्रॉक्सीमेट 4 किलोमीटर की राइड हो गई है और मैं रोड पे हूँ, और जल्द हमारा जो नहर का पुल है उस पे पहुँचने वाला हूँ। अगर तो मुझे रास्ते में कोई भी आवारा गाय या बैल ना मिले, जो बेचारे लोगों ने दूध पी के छोड़ दिए हैं, तब तो मेरी राइड बड़ी सुखदाई होने वाली है। आजकल सबसे बड़ा खतरा आवारा कुत्ते हैं, और जब बैल एक झुंड में रहते हैं वो भी घोड़े को देख के उन पर कई बार अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, या घोड़ा उनसे डरता है। और जी फाइनली मैं नहर पे पहुंच गया हूँ। अब लक है कि यहाँ कोई सांड मुझे ना मिले, बस वही मेरी राइड को छोटा कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त इस राइड से वाकिफ़ हैं कि इस राइड में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ये पहला वाटरफॉल या झाल नहर की है जो आई है, ये इस भाखड़ा मेन लाइन पे मैं राइड कर रहा हूँ, और ये जगह जगह बनाई गई है ताकि पानी स्पीड अप रहे। और ये राइड हो गई होगी करीब 4 किलोमीटर से ज़्यादा, 4 या 4.5 किलोमीटर। आज की राइड का बेस्ट पार्ट है कि दिलेर विलिंगली चल रहा है, मुझे ये डर नहीं आ रहा कि ये वापस मुड़ने की कोशिश करेगा, और ये अपनी विल से चल रहा है, जो कि एक राइडर के लिए बड़ी कंफर्टेबल बात होती है।
ज़्यादातर अगर आपको एफर्ट ही करनी पड़े घोड़े को चलाने के लिए, आपको डर लगे कि ये कभी भी मुड़ जाएगा, तो आपकी राइड कभी भी आरामदायक और सुखदायी नहीं हो सकती। जब एक तो रात हो और आपको हमेशा एक डर सताए कि आपका घोड़ा आपके गड़बड़ करेगा, बक मारेगा, खड़ा होगा, कई घोड़े तो आपको गिरा के भाग भी सकते हैं। जिस तरह का घोड़ा मैं दिलेर को तसव्वुर कर रहा था जब मैंने इसको ख़रीदा था, द स्पिरिट हॉर्स, मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में उस टाइप की ये फीलिंग ज़रूर देगा। ये दूसरी पानी की झाल आ गई है और ये एक राइड हो गई होगी अप्रॉक्सीमेट 8 किलोमीटर। मेरा आज का टारगेट 20 या 25 किलोमीटर की राइड है जिसमें मुझे 3 या 4 घंटे लगेंगे। जब तक मेरा घोड़ा मुझे ले जाएगा मैं जाऊंगा, जब इसकी मर्ज़ी होगी नहीं जाना तो मजबूरन शायद मुझे वापस आना पड़े। देखते हैं कब तक ये राइड चलती है। ना बेटे, चलते जाओ, शाबाश। ये हमारा तीसरा पुल आ गया है। भैया रास्ते कोई करंट तो नहीं है यहाँ पे? ओए तार तो नहीं नंगी कोई रे? चल तीसरी झाल अभी आ गई है और सफ़र हो गया होगा अप्रॉक्सीमेट 12 या 13 किलोमीटर। अभी मैं स्ट्रावा में देखूंगा, आज की राइड मेरी 15 किलोमीटर पे मैं ख़त्म कर दूंगा। कौन रास्ता है, शायद मैं बाइक पे इस रास्ते पे आऊं तो डर जाऊं, मगर घोड़े पे मुझे इस बात का डर नहीं है कि मुझे कोई घेर लेगा। डर सिर्फ एक ही बात का है कि मैं गिर ना जाऊं और मेरा घोड़ा ना भाग जाए। बाकी घोड़सवार को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है कि घोड़ा भी अपने आप में एक हथियार है और उसको कोई हाथ नहीं डालता कि अगर ये इसके पास जाएंगे तो ये लात भी मार सकता है। अब मेरी राइड हो गई है 11 किलोमीटर और अब मैं दिलेर के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। अब तक ये मूड में है और मैं भी इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा और अभी मैं अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो बेटा दिलेर, शाबाश घोड़े, वेरी गुड बेटा, वॉक। घोड़ा अभी फुल एनर्जी में है, बिल्कुल लूज रीन्स पे घोड़ा चल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, ना वो छुड़ा के भागना चाहता है और ना ही रुकना चाहता है और मुझे पुश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। अच्छी पेस बना के घोड़ा चल रहा है। हम लोग हमारे फार्म वाले पुल से, जो पहले पुल है पहाड़पुर गाँव का, वहाँ पहुँच गए हैं। अगर इस राइड को थोड़ा लंबा करने के लिए अभी मैं एक पुल और क्रॉस करूँगा और अभी ये भी आइडिया होगा कि घोड़े को रास्ता याद है या नहीं है। ज़्यादातर घोड़ों को रास्ता वापसी का याद होता है। अगर इसको थोड़ा मुझे एक पुल और क्रॉस करने के लिए पहले से ही घोड़े को थोड़ा पुश भी करना पड़ सकता है। अब जाके थोड़ा चंद्रमा जी नज़र आए हैं, पहले तो वो भी कहीं नीचे थे और तब तक मगर तारों की लाइट थी, अब चंदा की लाइट हो जाएगी।
ये हमारे सफ़र की पहली जो झाल है वो आ गई है। यहाँ से फार्म करीब अभी 5 किलोमीटर है, मगर मैं इस इंजॉयबल राइड को थोड़ा और लंबा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं करीब और 5 किलोमीटर इसमें ऐड ज़रूर करूँगा, ताकि ये राइड करीब 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के बीच में कहीं समाप्त हो जाए। ये हमारे फार्म वाला पुल है, देखते हैं घोड़े को रास्ता याद आता है या नहीं। अगर तो मुड़ा तो अलग बात है, अगर सीधा गया तो फिर आज मेरी दिवाली है। नहीं भैया, घोड़े को रास्ता बिल्कुल याद है और ये अपने आप इस पे मुड़ गया है। चलो अब मैं भी इसकी विश के अगेंस्ट इस राइड को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। थैंक यू दिलेर, थैंक यू। अब मैं बिल्कुल हाथ छोड़ के घोड़े को चला रहा हूँ। एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि इसको रास्ता याद है या नहीं है, मेरी कोई भी इंटरफेरेंस इस पर नहीं है। अब ये चल रहा है हैंड्स फ्री। लो जी, घोड़ा साहब अपने आप घर की तरफ मुड़ गए हैं। और अगर ये राइड दिन की होती तो इसकी पेस इतनी नहीं होती जितना तेज ये आज वॉक में चल रहा है, और वो भी कंफर्टेबल वॉक, फास्ट हो जाए और कंफर्टेबल रहे, उसका अलग मज़ा है। लो जी, आफ्टर अ हैप्पी लॉन्ग राइड हम पहुंचने वाले हैं फार्म पे। फार्म रह गया है करीब 0.5 किलोमीटर। घोड़े ने आज पूरा रास्ता इसी तरह से तय किया है, बिल्कुल ब्रिस्क वॉक में। पे वापसी हो गई है जी, और कुत्ते हमारी वेट कर रहे हैं। हॉट डॉग, हेलो बेबी। गुड डे। ना गुंडी, ना ना बेटा ना। बस बस बस, जोग जी, बस बेटा, बस 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 बस। लो बेटा, थैंक यू दिलेर भाई, थैंक यू। बहुत अच्छी राइड कराते हैं बेटा घोड़ा। हेलो, कपड़े गंदे नहीं करने ना। ना यार, कोई गल है? है पागल।